अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। आप लोग जा रहे बैठते थोड़ी देर? नहीं, एक्चुअली काफ़ी देर से आए हुए हैं हम लोग। मुझे लगता है अब हमें जाना चाहिए। नो, चाय पी लेते भाई। एक्चुअली इट्स फाइन, आई थिंक जाना चाहिए। ओके, खुदा हाफिज़। ऑफिस अब तुम यहीं रुको, मैं कैब लेके आता हूँ। ओके। हेलो, आ गई है घर पे। हालात तो काफी बुरे दिख रहे हैं, लगता है हमें कामयाबी मिल गई। बात करें, बाय। वाकई माम के नसीब की महरूमियां हमारे हिस्से में लिखती गई हैं। क्या हमारी किस्मत में सिर्फ प्यार के लिए तरसना ही लिखा है? पूरी दुनिया छोड़कर मेरा दिल परी सा भी आना था। और दिल अगर आप ही गया था तो क्या था? अगर तकदीर परीसा का प्यार मेरे नसीब में लिख देती है। तकदीर के फैसलों पे शक ही नहीं होते भाई। उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है। नहीं मान रहा दिल तो क्या करूं? उसी के लिए धड़क रहा। दिल उन तल्ख हकीकतों को नहीं जानता जिनसे दिमाग वाकिफ होता है। और हकीकत यह है कि हमजा की जिंदगी में मैं और परीसा की जिंदगी में आप एक सराय की तरह थे, जहां उन दोनों को मिलना ही था। उनकी मोहब्बत हमसे ज्यादा सच्ची थी।